Welcome students. This is a basic introductory lecture on sensors and transducers. First of all, let me introduce to the measurement instruments. The instrument which is used to measure any physical or chemical quantity is called a measurement instrument. Now, the measurement instruments are classified into various like sensors, transducers, inverse transducers, transmitters and स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स. अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन लगाया है मेजरमेंट के लिए, तो कोई भी क्वांटिटी अगर इंडस्ट्री में आपको मेजर करनी हो तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए या डिवाइस चाहिए. तो जो भी डिवाइस मेजर करती है उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें एकदम बेसिक वाला अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसे सेंसर कहा जाता है. उससे एडवांस वर्जन जो है वो ट्रांसड्यूसर, इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर और स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट होता है. नेक्स्ट, ये है सिंपल बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. कोई भी डिवाइस अगर आप मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हो तो उसका बेसिक डायग्राम जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो ये है, जिसमें पहले आता है सेंसर यानी सेंसिंग एलिमेंट, उसके बाद आता है ट्रांसड्यूसर, उसके बाद सिग्नल कंडीशनर आता है और उसके बाद आउटपुट मॉड्यूल आता है. सेंसर का आउटपुट ट्रांसड्यूसर को मिलता है, ट्रांसड्यूसर का आउटपुट सिग्नल कंडीशनर को मिलता है और सिग्नल कंडीशनर का आउटपुट आउटपुट मॉड्यूल में जाता है. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट दैट इज सेंसर. तो मैंने जब क्लासिफिकेशन में बताया था कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला और बेसिक प्रकार होता है सेंसर का. अब सेंस करना यानी टू डिटेक्ट और टू रिस्पॉन्ड द प्रेजेंस और चेंज ऑफ एनी सर्टेन फिजिकल और केमिकल क्वांटिटी. मतलब अगर आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो सेंसर है तो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि तो सेंस मतलब क्या होता है. अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल क्वांटिटी, या तो फिजिकल या तो केमिकल या कोई सी भी क्वांटिटी, अगर ऐसी की ऐसी है और उसमें चेंज आता है तो, या फिर अगर वो क्वांटिटी है ही नहीं और सडनली अपीयर होती है कि पकड़ में आती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं सेंस करना. ठीक है, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस ऐसी चीज़ को डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है एंड और वो रिस्पॉन्स ऐसा है जो डिटेक्ट हो सके, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट और एलिमेंट विच रिस्पॉन्स एंड शोज अ डिटेक्टेबल आउटपुट. ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है. डिटेक्टेबल आउटपुट ना हो तो सेंसर किसी काम का नहीं है. अगर उसका आउटपुट डिटेक्ट ही ना हो सके तो क्या करोगे आगे? आगे ना तो वो ट्रांसड्यूसर में जाएगा, ना ही वो सिग्नल कंडीशनर में जा पाएगा, कुछ नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट और एलिमेंट विच इज यूज्ड एज अ सेंसर मस्ट हैव अ डिटेक्टेबल आउटपुट. ठीक है, तो सेंसर का क्या है कि सेंसर इज ऑलवेज अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट मैकेनिज्म. कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लगा लो तो उसमें सबसे पहले जो जिस चीज़ को आपको मेजर करना है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो पहली चीज़ आती है उसको बोलते हैं सेंसिंग एलिमेंट या फिर सेंसर. देखिए, मर्क्यूरी फिल थर्मोमीटर है तो उसमें क्या होगा, मर्क्यूरी जो है वो कैपिलरी में ऊपर बढ़ेगा, दैट मीन्स इट इज़ एक्सपेंडिंग इन वॉल्यूम. सो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट टेम्परेचर है और आउटपुट क्या है, वॉल्यूम. ओके, सेम यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होगा, इनपुट इज प्रेशर एंड आउटपुट इज मूवमेंट ऑफ द मैनोमेट्रिक लिक्विड. ओके, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे सेंसर में जो भी इनपुट आउटपुट क्वांटिटी है वो कुछ भी हो सकती है. ट्रांसड्यूसर में क्या होगा कि ट्रांसड्यूसर में हमेशा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ही रहेगी उसके आउटपुट में, दैट इज इट विल प्रोसेस द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट एंड इट विल गिव एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आउटपुट जो कि आगे जाएगी सिग्नल कंडीशनर में. ओके, और ट्रांसड्यूसर हमेशा एक सेकेंड पार्ट आएगा, दैट इज अ सेकेंडरी एलिमेंट. सबसे पहले आएगा सेंसिंग एलिमेंट और उसके बाद आएगा ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट,
That's why a transducer is always a secondary element of any measurement device. Okay? Which will be given to the signal conditioner. Okay? Now, अब ये है उसकी formal definition. अगर exam में पूछा जाता है कि define transducer, तो उसकी formal definition ये है. An element which detects the presence or change in the physical quantity under measurement. ये जो पार्ट है वो सेंसर और ट्रांसड्यूसर में कॉमन है. ओके और उसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि इट कन्वर्ट्स द मेजर्ड क्वांटिटी इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर. उसके एग्जांपल है एलवीडीटी दैट इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. नाउ रिमेंबर काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं. Whenever you are asked a full form of LVDT, it is linear variable differential transformer and not transducer. Okay? Parallel plate capacitor, potentiometer, resistance thermometer, thermopile and photovoltaic cell वगैरह वगैरह. Okay? Parallel plate capacitor क्या करता है? उसका dielectric change होता है या उसका moment होता है तो उसका capacitance change होता है. Similarly, potentiometer wire में भी ऐसा ही होता है. Whenever something moves, the resistance of the potentiometer will change. Resistance thermometer में भी ऐसा ही है. It will sense the change in the temperature and it will give the change in the resistance as output. Thermopile will give electric current. Photovoltaic cell क्या होगा? It will sense the intensity of light and it will give a voltage as output. So that's why ये सभी क्योंकि इन लोगों का output electrical quantity है so all of these measurement instrument are classified into the transducers and not as sensor. Okay? Now a very important basic ये काफी important है inverse transducer. जैसे transducer होता है वैसे ही inverse transducer भी होता है. Transducer में क्या होता है कि कोई सी भी physical quantity हो x, y, z उसको मेजर करता है एंड उसको फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के तौर पे आउटपुट उसका मिलता है. इनवर्स ट्रांसड्यूसर उसका ठीक उल्टा है. इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कोई सी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उस वो इनपुट में लेगा एंड इट विल गिव अ नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट. उसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं होगा जबकि इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ही होगा. So inverse transducer is the component that processes the electrical or electromagnetic output of the control mechanism and it gives an output which is further utilized by the actuating element or the process. मतलब inverse transducer क्या करता है कि controller में से जो भी output आता है उसको उस electrical output को process करता है और उसको non-electrical quantity में convert करके आगे बढ़ाता है जो कि जाता है actuator पे. ओके सो एग्जांपल क्या क्या है करंट टू प्रेशर कन्वर्टर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. करंट टू प्रेशर कन्वर्टर में क्या होगा कोई सा भी करंट जो भी कंट्रोलर में से आता है उसको प्रोसेस करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इन इनटू इक्विवेलेंट प्रेशर एंड इट विल गिव इट टू द कंट्रोल वाल्व और द एक्चुएटर टू द कंट्रोल वाल्व. सिमिलरली पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या होगा व्हेनेवर यू विल अप्लाई voltage across two opposite faces, the dimensions of the piezoelectric crystal will change. मतलब piezoelectric crystal में अगर आप दो opposite face पे voltage दे रहे हो तो piezoelectric crystal का जो dimension है वो change होगा. Either it will be compressed or it will be bulged depending upon the polarity of the voltage applied. Okay? Now, why are transducers needed? अब transducer की ज़रूरत क्यों पड़ी? सेंसर भी तो था तो ट्रांसड्यूसर क्यों तो उसका रीज़न ये है ये तीन पॉइंट्स. सबसे पहले सेंसर में हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आउटपुट नहीं मिल पाता जबकि ट्रांसड्यूसर क्या करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में ही आउटपुट मिलता है तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है. वाई बिकॉज राइट नाउ आजकल 80-90% कंट्रोलर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल है या तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है. अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को जो इनपुट चाहिए वो या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा ठीक है तो
इसकी वजह से हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई वी रिक्वायर ट्रांसड्यूसर्स. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज टू कन्वर्ट द रॉ फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर प्रोसेसिंग दैट क्वांटिटी बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर. अब आपने रीडिंग ले लिया, मेजरमेंट ले लिया, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए जो कंट्रोलर या प्रोसेसर है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो उस रीडिंग या उस मेजरमेंट को हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यह हमें ट्रांसड्यूसर चाहिए. सेकंड पॉइंट, टू स्टोर द मेजरमेंट रीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर लॉन्ग टाइम. अगर सेंसर की बात करें तो उसमें स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी हम ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलती है. अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में हम इसकी जो भी वोल्टेज या करंट है उसको अकॉर्डिंगली हम लोग डेटा में कन्वर्ट करके उस डेटा को ड्राइव्स में या कोई भी स्टोरेज डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सेंसर, अ सिंपल सेंसर. सेकेंड थिंग इज सेंसर का जो भी आउटपुट होता है, द थर्ड पॉइंट, कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, सेंसर का जो भी आउटपुट होता है वो या तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी आउटपुट हो सकता है, एनीथिंग. बट ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, इवन इफ देयर इज अ वेरी लिटल आउटपुट वी कैन एम्पलीफाई इट, राइट, वी कैन एम्पलीफाई और स्केल दैट पर्टिकुलर मेजर्ड क्वांटिटी ताकि सिग्नल प्रोसेसर या सिग्नल कंडीशनर या कंट्रोलर है उसको प्रोसेस कर सके. एंड अनदर थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर में अगर आप यूज़ करते हो तो उसका जो टेलीमेट्री का स्टैंडर्ड है फॉर करंट, दैट इज 4 to 20 mA. सो ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत वैसे भी आती है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूज़ करते हो तो उसकी रेंज आती है 0 to 5 volt एंड 4 to 20 mA. सो यू नीड टू प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सो अ ट्रांसड्यूसर इज नीडेड. नेक्स्ट, नाउ ये तो बात हो गई थी हमारी क्लासिफिकेशन के, सेंसर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ कमिंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर. अब क्लासिफिकेशन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन किस आधार पे करें, तो एस्पेक्ट ये बेसिकली मैंने निकाले हैं 5 to 6 एस्पेक्ट्स जिसके आधार पे हम लोग उसको क्लासिफाई कर सके, ठीक है. तो सबसे पहला आता है ट्रांसडक्शन फिनोमिनन, मतलब जैसे मैंने बोला था ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में. सो दिस इज टू bifurcations वी आर गेटिंग when वी क्लासीफाई एवरी ट्रांसड्यूसर ऑन दिस basis. नेक्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है या सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है, ओके. क्वान्टिटी जो भी मेजर करो उसके डायरेक्ट टच में है या फिर उसमें कोई और इंस्ट्रूमेंट लगा के उसके बाद में अपने ट्रांसड्यूसर लगा रहा है. सो दैट इज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. टाइप ऑफ पावर, यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात है पावर में, यानी कि वो पावर लेता है, उसको पावर सप्लाई देना पड़ता है या बिना पावर सप्लाई के चलता है, तो उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर. नाउ रिमेंबर, जब भी ये सारी जो जितना भी क्लासिफिकेशन है वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन फोर्थ कमिंग स्लाइड्स, बट फॉर द टाइमिंग सिर्फ आप ये क्लासिफिकेशन देख लो. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, मतलब जैसे हमने बात की ट्रांसड्यूसर हमेशा इलेक्ट्रिकल आउटपुट ही देता है, ठीक है, ओके. तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट की जब हमने बात की थी तो उसमें अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल. तो उसके आधार पर अगर कोई एनालॉग आउटपुट होता है उसका, तो उसको एनालॉग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, और अगर वो डिजिटल आउटपुट देता है या डिस्क्रीट आउटपुट देता है तो उस ट्रांसड्यूसर को हम लोग बोलेंगे कि वो डिजिटल ट्रांसड्यूसर है. नाउ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन, मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो वो चेंज, मतलब इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है तो कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी तो काफ़ी सारी है, तो सभी क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोगों ने रखा है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, दैट इज RLC, देन फोटोवोल्टाइक एंड फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. एंड लास्ट इज टाइप ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन, मतलब कि उसका जो भी मैकेनिज्म है उसका मूवमेंट कैसा है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने रखा है लीनियर एंड रोटरी. दिस इज ऑन बेसिस ऑफ
physical movement of the mechanism of the transducer. Okay, now in detail, सबसे पहले मैंने बोला था type of application, मतलब primary और secondary. Primary transducer क्या होता है? This is a formal definition of the primary transducer. Keep in mind, primary transducer is a transducer that senses the physical signal and the physical phenomenon, and it is converted into electrical form directly. Then such a transducer is called the primary transducer. मतलब कोई भी quantity अगर वो sense करके directly उसको electrical quantity का output देता है, then it is called primary transducer. For example, thermocouple, RTD वगैरह वगैरह. अब thermocouple में क्या होगा? वो temperature sense करेगा और उसके दो junction होंगे, hot junction and cold junction. Okay? तो thermocouple का जो hot junction है, वो use होता है temperature measurement के लिए. तो temperature difference की वजह से उसमें current generate होता है, अपने आप. ठीक है? तो direct touch में है और दूसरा वो electrical output directly दे देता है. तो इसके लिए वो primary transducer हुआ. Next is RTD. RTD को कोई सी भी hot quantity के पास रखो या कोई भी hot जो भी आपका measurement है जिस चीज़ का temperature measure करना चाहते हो तो उसमें direct touch में आप अगर RTD के element को रखोगे तो temperature के हिसाब से उसका resistance का जो value है वो change हो जाएगा. We will see these all sensors in detail in the forthcoming lectures. Okay? अब बात करते हैं secondary transducer की. So उसका जो डेफिनेशन है वो ये है, when the input signal is sensed first by some detector or sensor and then its output being of some form other than the input signal is given as the input to the transducer for conversion into electrical form, then such a transducer is called secondary transducer. मैंने कहा था कि अगर डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए पहले आपने एक अलग सेंसर रखा है इंस्ट्रूमेंट, उसके आउटपुट को प्रोसेस करके अगर ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. मतलब इनपुट सिग्नल पहले कोई और सेंसर सेंस करता है और उसका आउटपुट आपकी डिवाइस को, ये जो ट्रांसड्यूसर आपने रखा है उसको मिलता है और फिर आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है. तो वैसे इंटरमीडिएट एलिमेंट के तौर पर यूज़ करने पर उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन पाइरोमीटर. रेडिएशन पाइरोमीटर में क्या होता है कि बहुत ही अगर कोई भट्टी है तो उसमें से रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन को आप कॉन्सेंट्रेट करते हो और फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए आप एक थर्मोकपल रखते हो, तो वो थर्मोकपल जो है वो आपका हो गया सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर इनसाइड द रेडिएशन पाइरोमीटर. ओके, नाउ सेकेंड बेसिस ऑन द टाइप ऑफ power supply, that is active transducer and passive transducer. The formal definition is the active transducer is a transducer which does not require separate power supply or energy to work. It generates its own energy. मतलब उसको कोई power supply की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपना power बना लेगा या अपने आप ही चलेगा, उसके लिए कोई power supply देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो system का कुछ नुकसान करेगा. ठीक है, उसके एग्जांपल है थर्मोकपल, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एंड फोटोवोल्टाइक सेल. थर्मोकपल मैंने आगे एक्सप्लेन किया था. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या है कि वो जब भी आप प्रेशर दोगे तो वो अपनी अपोजिट साइड्स पे ट्रांसवर्स साइड्स पे वो एक वोल्टेज जनरेट करेगा. एंड सिमिलरली फोटोवोल्टाइक सेल और यू कैन से सोलर सेल, ये क्या करेगा, जब आप धूप में रखोगे तो उसमें से वोल्टेज जनरेट होगा. दैट मीन्स इट विल सेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट ऑफ द वोल्टेज. ओके, नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसड्यूसर. इसको चलाने के लिए हमें पावर सप्लाई देना ही पड़ता है, या तो फिर वो जो भी सिस्टम या जो भी आप मेजर कर रहे हो उसमें से वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके फिर काम करेगा. दैट इज पैसिव ट्रांसड्यूसर इज अ ट्रांसड्यूसर विच यूजेज द एनर्जी फ्रॉम द मेजरिंग सिस्टम और एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू वर्क. इट कैन नॉट जनरेट इट्स ओन एनर्जी, वो अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकता. फॉर एग्जाम्पल RTD, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, कैपेसिटेंस लेवल ट्रांसड्यूसर, LVDT एक्सेट्रा एक्सेट्रा. RTD में क्या होगा, RTD का रेजिस्टेंस तो चेंज होगा लेकिन उसको मेजर करने के लिए उसको वोल्टेज अलग से देना पड़ता है.
So by measuring the voltage and detecting the current, we can measure the change in the resistance of this RTD element. Similarly, capacitance level transducer में उसके capacitance को measure करने के लिए हमें दोनों plate पर एक voltage देना पड़ता है. So that we can detect the change in the capacitance easily. Now, on the basis of type of electrical output, मैंने कहा था electrical quantity तो है, signal तो है, but which kind of? Continuous है या discrete है? ठीक है, तो analog transducer में क्या होगा? It will be a continuous function of time. Remember to add such technical terms, please. While writing an exam, please see that कि आप लोग ये जो technical terminology है उसको ध्यान में रखकर definition लिखिए. Otherwise आपको marks इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, right? मैंने कहा continuous signal देगा. If you write which is continuous, and the another is continuous function of time, that means it is you are giving a very mathematical and a very brief and a very exact definition of analog transducer, which means transducer that converts in the input quantity into an electrical quantity which is a continuous function of time. यहाँ पर उसका आ गया mathematical representation, means you are telling in terms of the language of mathematics that it is a continuous function of time, that means f of t. Okay, for example LVDT, capacitive transducer, strain gauge, thermistor, etc., etc. Now LVDT is simple. I told you it is a transformer, so it will be. अगर हम लोग इसको mathematical representation में continuous function of time यहाँ पे बोला है, अगर इसका equation लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? That O of t, that is, this will give you a voltage output. So V O of t, it will be equal to V1 of t minus V2 of t, that is difference in between the two output quantities. Okay, so final output of the LVDT will be V0 of t equal to V1 of t minus V2 of t. Okay, now coming on to the digital transducer. Okay, the definition is digital transducer is a transducer that converts the input quantity into electrical pulse or a discrete function of time. देखो यहाँ पे continuous function of time and this is discrete function of time. This is the thing which makes a difference in between these two. ये फर्क है continuous function of time and discrete function of time. For example, electronic और electromagnetic pulse, ये type इस type के इस प्रकार का output होगा. Okay, for example, कौन-कौन से instrument इसमें हम लोग रख सकते हैं? Hall effect sensor, limit switch, rotary encoder, etc., etc. Okay. Now the third basis, comparison of transducers on the type of electromagnetic phenomenon. जैसे मैंने कहा electrical quantity तो है. Okay. Now there are many electrical quantities. यहाँ पर अब तक बात हो रही थी voltage और current के basis पे. अब resistance, inductance, capacitance वगैरह भी तो है. Okay, so on the basis of electromagnetic phenomenon, that is electrical, optoelectrical and electromagnetic transducer. Okay, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं resistive transducer. उसका definition क्या है? A resistive transducer is a transducer that converts the input physical quantity into resistance or change in its own resistance. Okay, या तो उसको resistance में convert करेगा या तो फिर वो चेंज चलाएगा अपने खुद के रेजिस्टेंस में. ओके, फॉर एग्जांपल आरटीडी, जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से आरटीडी के एलिमेंट का रेजिस्टेंस बदल जाता है. ओके, पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस ट्रांसड्यूसर्स विल गिव द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज capacitive transducer. Just like resistive transducer, यहाँ पे क्या होगा? It will be some change in capacitance value. Okay? So definition क्या है? A capacitive transducer is a transducer that converts the input physical quantity into capacitance or change in its own capacitance.
उसका एग्जांपल क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और रोटरी कैपेसिटर और डिस्क कैपेसिटर. नेक्स्ट इज इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिलेटेड कोई क्वांटिटी उसमें आउटपुट में आता है. प्रिंसिपल जो होता है वो उसका ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. डेफिनेशन ये है कि एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर इज अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स द इनपुट फिजिकल क्वांटिटी इनटू ईएमएफ और चेंज इन ईएमएफ और करंट और चेंज इन इट्स ओन करंट. ये आएगा. फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो आप पढ़ चुके हो. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट अबाउट इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की उसका जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे वो काम करता है. नाउ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर फर्दर क्लासिफाइड है, मतलब उसमें फर्दर हम लोग उसमें बाइफर्केशन कर सकते हैं. तो कौन कौन से है? वन इज सेल्फ इंडक्टिव, देन म्यूचुअल इंडक्टिव एंड देन इज एडी करंट ट्रांसड्यूसर. मतलब सेल्फ इंडक्शन के बेसिस पे भी वो काम करता है, वो एक एक टाइप ऐसी है. सेकंड टाइप इज म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा एंड द थर्ड टाइप इज एडी करंट ट्रांसड्यूसर. तो डायनामो जो है वो सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है, एलवीडीटी है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है एंड टैकोमीटर इज बेस्ड ऑन द एडी करंट मे बी. नाउ कंपैरिजन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेन ये कंटिन्यूस में है. नेक्स्ट इज फोटो ट्रांसड्यूसर. इसमें फोटो वोल्टाइक ट्रांसड्यूसर आता है. सो व्हाट इज फोटो वोल्टाइक ट्रांसड्यूसर? इट इज अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स द इंसिडेंट रेडिएशन इनटू सम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. जैसे मैंने बात की थी सोलार सेल की, दैट इज फोटो वोल्टाइक सेल. तो वो क्या करता है? इट्स विल सेंस द रेडिएशन और इंटेंसिटी के आधार पे डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी इट विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज. नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. अब ये जो है दिस फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एमिट द रेडिएशन और चेंज देयर कंडक्टेंस अपॉन द इंसिडेंट रेडिएशन. कंडक्टेंस क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितना ज्यादा कंडक्ट करेगा वो. तो उसमें भी फिर फर्दर दो टाइप है, एक तो है फोटो एमिसिव एंड फोटो कंडक्टिव. क्योंकि यहाँ पे बताया है डेफिनेशन में, या तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, अगर वो एमिट करता है देन इट कम्स अंडर फोटो एमिसिव एंड इफ इट चेंज द कंडक्टेंस एंड देन इट कम्स अंडर फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. सो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू, दैट इज फोटो एमिसिव एंड फोटो कंडक्टिव. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोटो एमिसिव की. तो डेफिनेशन क्या है? अ फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर इज अ ट्रांसड्यूसर दैट एमिट्स रेडिएशन अपॉन एक्साइटेशन बाय द इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड दिस इज एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर. फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? जैसे ही उसमें कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा या दोगे देन इट विल बी गिविंग और एमिटिंग आउट सम लाइट. फॉर एग्जाम्पल LED, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, आप उसको वोल्टेज दो, इट विल ग्लो और इट विल एमिट लाइट. एंड इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनवर्स ट्रांसड्यूसर. इनवर्स ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन क्या थी? द इनवर्स ट्रांसड्यूसर विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इनपुट इन टू सम नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट. सो LED. नेक्स्ट इज फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. Definition is a photoconductive transducer is a transducer that increases its conductance or decreases its resistance upon being irradiated. मतलब जब भी आप उस पर लाइट फेंकोगे या जब भी कोई उस पर लाइट गिरेगी तब क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा या फिर उसका कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा. एक ही बात है. फॉर एग्जाम्पल फोटोडायोड LDR फोटो ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फोटोडायोड और फोटोडायोड में क्या होगा? जैसे उसमें लाइट आएगी वंस इट विल जो भी उसका लिमिट है
बैरियर ब्रेक कर रखा वो आ जाएगा उतनी इंटेंसिटी, देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इन द फॉरवर्ड बायस. सिमिलरली फोटो ट्रांजिस्टर और एलडीआर में भी होता है. एलडीआर में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और फोटो डायोड में अगर आपने उसको फॉरवर्ड बायस में लगा है तो उसका जो भी है वो कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज ऑन द टाइप ऑफ फिजिकल लोकोमोशन फिनोमिनन, दैट इज उसका जो भी मैकेनिज्म है वो कैसा है, मतलब लीनियर मूवमेंट वाला है या फिर वो गोल गोल घूमता है. ओके, सो फर्स्ट इज लीनियर ट्रांसड्यूसर. द डेफिनेशन इज लीनियर ट्रांसड्यूसर इज अ ट्रांसड्यूसर विच हैज लीनियर डायनामिक्स ऑफ द गवर्निंग मैकेनिज्म. रिमेंबर टू राइट सच टेक्निकल टर्म्स, प्लीज डू नॉट राइट विच मूव्स इन अ सिंगल लाइन. ओके, विच हैज लीनियर डायनामिक्स ऑफ द गवर्निंग मैकेनिज्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल एलवीडीटी, उसमें क्या होता है, पिस्टन होता है विच मूव्स टू एंड फ्रो एंड दैट पिस्टन इज नथिंग बट इट इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोटरी ट्रांसड्यूसर. ओके, द रोटरी ट्रांसड्यूसर इज अ ट्रांसड्यूसर विच हैज अ रोटरी गवर्निंग मैकेनिज्म, मतलब वो गोल गोल घूमेगा. फॉर एग्जाम्पल टर्बाइन फ्लोमीटर, रोटेटिंग पैडल्स विच इज इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, टर्बाइन फ्लोमीटर में क्या होगा, उसकी विंग होगी, उस पर कुछ गिरेगा या फ्लो होगा तो वो जो टर्बाइन का पैडल है वो गोल गोल घूमेगा एंड इट विल बी जनरेटिंग सम सिग्नल विच इज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट. सिमिलरली इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी ऐसा होता है. ओके, वंस द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इट विल जनरेट सम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज. ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन एज इन GTU, दैट इज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2016 टू 2013. दिस इज ऑब्जेक्टिव and we will put up the detailed questions, that is long questions, shortly. Okay, so thank you for your attention. We will see the other topics in the forthcoming lectures. Thank you.